बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर पबजी बंद होने का शौक ख़त्म हो गया हो तो दो मिनट के लिए इस बात पर तवज्जो दें, ज़रा दिमाग को साइड पर रख कर दिल से इस वीडियो को देखें और समझें। लोगों का कहना है कि पबजी बंद क्यों की, सिर्फ एक गेम ही तो थी। क्या ये सच में सिर्फ एक गेम थी? खुद से सवाल करो, क्या ये सिर्फ एक गेम थी? अगर जवाब हाँ है तो बताओ, एक गेम के बंद होने पर इतना वाह वैला किस लिए? गेम ही थी ना, बंद हो गई, कहानी खत्म, फिर शोक किस लिए मनाया जा रहा है? मैं यहाँ किसी एक ऐसे शख्स की आपको बात बताना चाहता हूँ जो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये गेम खेलता है। मैंने उसे कहा कि छोड़ दो, उसने जवाब दिया, मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे आदत है। अब ऐसे ही सब जवाब देते हैं कि हम नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही एक और शख्स का आपको बताऊं कि जिसने कॉलेज ही छोड़ दिया सिर्फ इस गेम की खातिर। मुझे बताएं, इस मुल्क पाकिस्तान में आज क्यों हर इंसान ज़हनी तौर पर इस कदर मफलूज है कि वो किसी की ज़रा सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सुनते हैं कि रोज़ कत्ल हो रहे हैं, और वजह पूछो तो कभी कोई किसी का कत्ल सिर्फ इसलिए कर देता है कि उसकी ज़मीन पर किसी के जानवर चले गए, किसी ने उसको गाली दे दी। यहाँ तक के छोटे बच्चों का कत्ल कर रहे हैं लोग। आखिर क्यों क्यों बर्दाश्त ख़त्म हो गई है हम में? इस्लाम तो अफ़ो दरगुजर का दर्स देता है, माफ़ करने का कहता है, सब्र करने का कहता है। आखिर को हम मुसलमान हैं, मगर नहीं। मुसलमान छोड़ो, हम तो इंसान भी कहलाने के लायक नहीं रहे। ये गेम जिसको सारा दिन सारी रात हमारे नौजवान बच्चे लड़कियाँ सब खेल रहे हैं, जिसमें बस फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, जारहियत है, इंतकाम है, नफरत है, तो जो हम हर वक्त देखेंगे वही तो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा। वही गुस्सा, वही नफरत, वही कत्ल, बेरहमी से मारना, जान लेना, किसी को नुकसान पहुंचाना, इसी सब का तो शिकार है हमारा मुल्क। आखिर इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा? किसी भी मुल्क की तरक्की में नौजवान अहम किरदार अदा करते हैं, और यहाँ आधे नौजवान टिकटॉक पर नाच रहे हैं और बाकी पबजी में मसरूफ हैं। मतलब आने वाली नस्लें बस नाच गाना सीखेंगी, बस फजूल काम करेंगी। हमारे माँ बाप को मोबाइल का पता नहीं था। 1990 के बाद सिर्फ 30 सालों में सब बदल गया। सोचें आने वाले 30 सालों में दुनिया क्या बन जाएगी। इस्लाम से दूर, नमाज रोज़े से दूर, माँ बाप और घर वालों से दूर, बस मोबाइल और गेम। तो सोचो कल को तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे। आज तुम लोग इस गेम के लिए जैसे पागल हो, खुदा के खौफ से डरो, कानों में हैंड फ्री लगाकर मुख्तलिफ आवाज़ें सुनकर कान ख़राब, और हार जाने के बाद दिमाग ख़राब, और सबसे दूर रहने की वजह से रिश्ते ख़राब। यानी कि बस ज़िंदगी ख़राब, मगर तुम लोगों को क्या लगे? मेरी ये बातें भी मजाक और बकवास लग रही होंगी। खैर, अगर समझ आ जाए तो इस गेम से और ऐसी तमाम चीज़ों से दूर रहें। अगर मुत्तफिक हैं इन सब बातों से तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। याद रखिए, आपकी वजह से एक इंसान भी इससे बाहर निकल आया तो आप एक ख़ानदान, एक नस्ल बचा रहे हैं। खुश रहें और सलामत रहें, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।